बच्चों, आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। संगत, संगत का बहुत अधिक असर पड़ता है। हम जैसी संगत में रहते हैं हमारा आचरण वैसा ही हो जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के संग रहते हैं, अच्छे लोगों का सत्संग करते हैं, तो हमारे आचार विचार वैसे ही हो जाते हैं। और हम अगर दुष्ट मनुष्यों का संग करते हैं, दुष्टों के संग रहते हैं, तो हम वैसा ही आचरण करने लगते हैं। चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, हर के ऊपर संगत का असर तो पड़ता ही है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक अति लघु छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन उसका ज्ञान बड़ा ही मोटा है। उसको ध्यान से सुनो, ज्ञान उसमें भरपूर है। एक पक्षी बेचने वाला बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ता था और बेचता था। एक दिन वह ये राजा के दरबार के बाजार में बेचने के लिए पक्षी लेकर गया और एक पक्षी का मूल उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं रखी। उसके पास दो तोते थे, तो एक तोते का मूल्य तो वह 500 स्वर्ण मुद्राएं रखे हुए था और दूसरे तोते का मूल्य 5 पैसे था। तो और बेच रहा था और कह रहा था, जो 500 रुपए वाला तोता खरीदेगा उसको 5 रुपए वाला तोता भी खरीदना, 5 पैसे वाला तोता भी खरीदना पड़ेगा। उसकी यही शर्त थी, तो किसी की हिम्मत इतने महंगे तोते की लेने की नहीं पड़ रही थी। शाम हो गई तो राजा का यह कहना था कि जिसकी जो चीज़ बचेगी उस चीज़ को मैं खरीद लिया करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा ने कहा कि मैं घूमने जाता हूँ, अब शाम को बाजार में सबका सब कुछ बिक गया होगा। तो राजा गया तो एक बहेलिया, गरीब बहेलिया बैठा था और वह अपने दोनों तोतों को रखे उदास बैठा था। तो राजा ने उसने प्रश्न किया कि भैया आप क्यों उदास बैठे हो? तो उसने कहा, राजा आज हमारा कोई सामान बिका ही नहीं। आज मेरे को दो तोते मिले थे और मैं इन तोतों को ही पकड़ कर लाया और बाजार में बेचने लगा, तो किसी ने मेरे तोते नहीं खरीदे। तो राजा ने कहा, भैया इन तोतों में ऐसा क्या है? तो उसने कहा कि राजा जी, एक तोते का मूल्य तो 500 रुपया है और एक तोते का मूल्य 5 पैसे है। तो राजा ने कहा, इतना अंतर क्यों है? बोले, महाराज यही अंतर है इन दोनों में, जब आप घर ले जाएंगे तो आपको अपने आप अंतर मालूम चल जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसको 500 रुपये और 5 पैसे दे दिए और दोनों ही तोतों को ले लिया। अब राजा ने कहा कि जब सोने लगे तो राजा ने कहा कि मेरे कमरे में 500 वाले तोते को टांग दूँ, मैं इसका ज्ञान तो सुनना चाहता हूँ, इसमें ऐसी क्या विशेषता है? तो राजा ने उसको टंगा लिया अपने पिंजरे को, अपने सोने वाले कमरे में। जैसे ही 4 बजे तो वह तोता कहने लगा, उठो उठो भोर हुई, उठो उठो भोर हुई, राम राम सीता राम, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, भोर हुई तू क्यों सोता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। वह बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो उसके मंत्रों को सुनकर और राजा की 4 बजे ही नींद खुल गई और राजा 4 बजे उठ गया और स्नान ध्यान किया, तैयार हुआ और बड़े मीठे मीठे उसने मधुर मधुर भजन सुने थे, मधुर मधुर मंत्र सुने थे। तो राजा का मन भी बड़ा खुश था, तो राजा का हर काम में मन लगता रहा और उस दिन बहुत अच्छा राजा का दिन व्यतीत हुआ। तो राजा ने सोचा कि वो मेरे 500 रुपये देकर कोई बुरा नहीं किया, सुबह सुबह इतने मधुर मधुर भजन सुनने मिलते हैं, सारे देवी देवताओं के नाम सुनने को मिलते हैं, मंत्र सुनने को मिलते हैं, कितना प्यारा
कितना मीठा मधुर बोलता है यह तोता, इसकी आवाज में कितनी मधुरता है। दूसरा दिन हुआ तो राजा ने कहा कि भैया वो 500 वाले तोते के संग वो 5 पैसे वाले तोते को भी टांग दो। तो उनके मंत्रियों ने ले जाकर वो 5 पैसे वाले तोते को भी राजा के पास टांग दिया। अब सुबह हुई तो वह तोता उठा और कहने लगा, उठ जा दुष्ट, अभी तक सो रहा है, उठ जा दुष्ट, अभी तक सो रहा है, शर्म नहीं आ रही है, सुबह की 4 बज चुके हैं, 4 बजे तो सब लोग उठ जाते हैं, तू कैसा आलसी है, तू बड़ा ही पापी है, तू बड़ा ही निर्दयी है, तेरे अंदर दया नहीं है, जो अभी तक सो रहा है, मैं भूखा हो गया हूँ, मुझे भोजन दे दे, ए दुष्ट रे दुष्ट उठ, मुझे भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत ही अधिक प्यासा हूँ, उठ, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। साले उठता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है। तो राजा को वो गालियाँ जैसे कान में पड़ी तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक कैसी गाली बक रहा है, सुबह सुबह अच्छा अच्छा बोलना चाहिए तो ये गालियाँ दे रहा है। और राजा ने उठते ही अपनी तलवार निकाली और उस तोते को मारने के लिए हो गया तैयार। तो दूसरा जो 500 रुपये वाला तोता था वो बगल में ही था, उसने कहा, महाराज इसको मत मारो, इसको मत मारो, ये मेरा सगा भाई है, हम दोनों छोटे छोटे थे। और एक बहेलिया आया और हम दोनों को पकड़ के ले गया और उसने ले जाके हम दोनों भाइयों को बाजार में बेच दिया। तो मुझे तो खरीद लिया एक संत ने जो सुबह उठ के भगवान का भजन करता था, जो मैं करता हूँ, और इसको खरीद लिया एक दुष्ट आत्मा ने, जो दुष्ट था, वो प्रकृति से दुष्ट था, वह कत्ल करता था, वह गालियाँ देता था, वह लोगों को सताता था और बहुत अधिक गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देता था। तो इसने वही सब सीख लिया है, सुबह से उठते ही यह भी गालियाँ देने लगता है। अब आप बताइए कि हम दोनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं, इसमें इसका क्या दोष है। दोस्त इसकी संगति का है, जिसके संगे रहा, बड़ा हुआ, पला, और जहाँ वह पला तो उसने उसी दुष्ट की संगति पूरी ले ली और वह भी गालियाँ बकने लगा। हे प्रभु इसको छोड़ दो, हे राजा मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे भाई को मत मारो, मैं अपनी संगत में रखकर इसको भी अच्छे मधुर मधुर भजन सुना दूँगा, सिखा दूँगा, और जब हम दोनों भाई बड़े ही मधुर शब्दों में आपको गीत सुनाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, दो दो मीठी मीठी आवाज़ें जब आपके कानों में पड़ेंगी तो आप सुबह बड़े अच्छे ही खुश खुश उठेंगे और आपका दिन भी बड़ा अच्छा ही निकलेगा। तो राजा को उस तोते की बात समझ में आ गई और राजा ने उस 5 रुपए वाले तोते को छोड़ दिया और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खूब अच्छी मधुर मधुर गीत, खूब अच्छे सुंदर सुंदर भजन सिखा दिए जो उसने उस संत से सीखे थे। और दोनों भाई सुबह सुबह उठते और राजा से कहते, महाराज सुबह हो गई है, सुबह के 4 बज गए हैं, और दोनों ही मधुर वाणी में महाराज को सुंदर सुंदर गीत सुनाते, सुबह सुबह ही वो गाने लगते, भजो रे मन कृष्ण हरे, भजो रे मन नारायण, भजो रे मन, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ऐसी मधुर मधुर दो तोतों की सुरीली सुरीली आवाज राजा के कानों में नित्य पड़ती और राजा बड़े खुशी खुशी उठते और तैयार होते और अपने राज्य में घूमते और अच्छे अच्छे आचरण करते, दान पुण्य करते, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते और राज्यसभा में बैठकर अच्छा अच्छा न्याय करते, इस तरह
राजा बड़े खुश खुश रहने लगे। हम इस कहानी से बच्चों हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको अच्छी अच्छी शिक्षा प्रद कहानियाँ ही सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे आचरण में बदलाव आ सके। और जब एक एक मनुष्य बदलेगा, एक एक बच्चा देश का बदलेगा, तो देश की भी उन्नति निश्चित है। आपको हमारे अगर वीडियो साज पसंद आते हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक तो करना भूलिए ही मत। धन्यवाद।